Greetings everyone, and I hope you are doing well. And this is our chapter number 7 of SST, and this is Emperor Ashoka. So beta, Emperor Ashoka was the greatest ruler of India. India ka greatest ruler jo tha, wo tha Emperor Ashoka. He ruled more than 2000 years ago. 200 saal pehle jo hai, इसने रूल किया था. इंडिया का ये ग्रेटेस्ट रूलर था. अब जो है वो कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र. वो कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में रहते थे वो, जिसको अब हम पटना बोलते हैं. वो अशोका की कैपिटल थी. अशोका का एम्पायर की जो थी वो कैपिटल थी पाटलिपुत्र. ये देखिए, पाटलिपुत्र जिसको हम नाउ पटना कहते हैं, वॉज द कैपिटल ऑफ अशोका's एम्पायर. इट वॉज सराउंडेड बाय द हाई वॉल्स. This was built to keep the enemies away from the away. The royal palace was at the center of the city. The city had houses, temples, shop, marketplace and parks. तो पाटलिपुत्र जो थी वो अशोका एम्पायर की जो कैपिटल थी, जिसको वो पटना बोलते हैं, तो वहां पर क्या था, वो बहुत बड़े बड़े एक दीवारों से घिरी हुई थी. क्यों था ऐसा? क्योंकि वहां के जो थे ना, वो एनिमी से, दुश्मन से बचाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स अपनी बनाई हुई थी. और जो उनका जो रॉयल पैलेस था, महल जो था, वो था बिल्कुल बीचों बीच था उसके. पाटलिपुत्र अपने जो कैपिटल थी उसके बिल्कुल बीच में था उनका एम्पायर जो था, उनका पैलेस जो था. तो पाटलिपुत्र में बहुत सारे हाउसेस थे, टेम्पल्स थे, शॉप थी, मार्केट प्लेस थी और पार्क्स थे. अब बात करते हैं हम कलिंगा वॉर की. तो बहुत सारे उसने जो है पूरे इंडिया के बहुत सारे इलाके जो थे उसने अपने कब्जे में कर लिया अशोका ने. बट अब वो जो है, जब कलिंगा में जो है जब वो गया वॉर करने के लिए, अशोका रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. बहुत सारे पार्ट पे जो है इंडिया के उसने कब्जा किया था, मतलब रूल किया था. बट कलिंगा वॉज द वन रीजन दैट वॉज नॉट अंडर हिज रूल. लेकिन एक कलिंगा जो था, एक रीजन था जो उनके अंडर पे नहीं आता था, जिसको वो अपने अंडर लाना चाहते थे, जिसको हम प्रेजेंटली डे बोलते हैं ओडिशा. ओडिशा जिसको हम अब प्रेजेंट बोलते हैं. तो टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज एम्पायर, अशोका फॉट अ वॉर. तो उन्होंने क्या किया, अशोका ने लड़ाई लड़ी कलिंगा को अपने अंडर करने के लिए, कलिंगा राज्य को. तो उसने क्या करा कि उस वॉर को कहा गया, उस लड़ाई को कहा गया कलिंगा वॉर. ठीक है, इस वॉर में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारी थाउजेंड जो है इंजरीज हो गई, घायल हो गए पीपल. अशोका जो है बहुत दुखी हो गया ये सब देखकर. वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं एक राज्य के पीछे, एक राज्य को हत्याने के लिए. इतने सारे लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं, इतने सारे लोग जो है मर गए हैं, थाउजेंड्स इंजरी हो गई हैं, घायल हो गए हैं. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो है और बहुत और जो है वो लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे. उन्होंने जब ये डिसाइड किया तो उनके बाद जो है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करने शुरू किए लोगों के लिए. व्हाट अशोका डिड फॉर द पीपल, उन्होंने क्या करना शुरू किया. उन्होंने जब कलिंगा वॉर के बाद जो है अशोका ने अपना टाइम जो है वो लोगों की सेवा में निकाल दिया. उनके लिए रोड्स बनाए, उनके लिए रेस्ट हाउस बनाए, ट्रीज बहुत सारे उसने प्लांट किए, बहुत सारे उसने वेल्स खुदवाए पानी के लिए, और हॉस्पिटल्स बनाए लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए. तो उसके बाद जो है कलिंगा वॉर के बाद उनको समझ आ गया कि हाँ, वॉर से कुछ नहीं मिलने का, हमें शांति चाहिए. तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे अच्छा काम किया लोगों के लिए. अशोका एंड बुद्धिज्म, अशोका बिकम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा के उसके बाद जो है वो उनके फॉलोअर बन गए. और क्या किया उन्होंने, बुद्धा जो थे वो पीपल को कहते थे कि काइंड रहो सबके साथ, अच्छे से बिहेव करो सबके साथ. तो अशोका जो था हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करता था, अपने बड़ों की, हमेशा उनसे काइंड होता था, हमेशा जो है वो सच बोलता था. देन अशोका स्पेंड हिज चिल्ड्रन टू फार ऑफ प्लेसेस टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द
बुद्धा। उसके बाद अशोका ने क्या किया कि अपने बच्चों को जो है वो भेजा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, ताकि जो है वो बुद्धा की जो टीचिंग है, जो उन्होंने बुद्धा से सीखा है, ये सब अच्छा अच्छा ज्ञान जो है वो सीखा है, वो पूरे जगह पे जाके फैलाएं। ये मैसेज जो है उन्होंने बहुत जगह पे फैलाने के लिए अपने बच्चों को जो है स्प्रेड कर दिया। और उन्होंने जो है एक स्तंभ बनवाया, ये आपको दिख रहा होगा। ही ऑल्सो गॉट हिज मैसेज क्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अपने जो मैसेजेस थे जो वो देना चाहते थे लोगों को, और जितने भी उन्होंने सीखा था, ज्ञान लिया था, उन्होंने क्या किया, एक स्तंभ बनवाया, अशोका स्तंभ उसे हम कहते हैं। तो उसमें जो है उसने क्रेव्ड करवाया, उसने गुदवाया, बहुत सारे पत्थरों पर भी उसने लिखवाया। दीज वर वेंट अप टू द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज इन हिज एम्पायर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज पे थे एम्पायर के। पीपल कुड रीड एंड लर्न फ्रॉम देम, ताकि पीपल जो है, लोग जो है वहां के, वो इसको पढ़ सके और उससे सीख सके। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। तो अशोका ने जो है पीस का मैसेज पहुंचाया दुनिया तक। आखिरकार उसे ये सब कैसे पता चला कि हाँ इससे कुछ नहीं होगा वॉर से, जब उसने कलिंगा की वॉर लड़ी, बहुत बड़ी वॉर थी वो, जब उसने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर रहे हैं बिना बात के, बहुत सारी इंजरीज हो रही हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि इन सब से कुछ नहीं होगा, अब जो है उनको लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करना है। तो उन्होंने शांति का जो है संदेश लिया बुद्धा से, और उसके बाद जो है ये मैसेज उन्होंने बहुत सारे क्रेव्ड करवाए, अपने एक रॉक्स पे, पिलर्स पे करवाए। आपने देखा होगा द पिलर हैज अशोका टीचिंग एंड क्रेव्ड ऑन, अशोका स्तंभ भी कहते हैं जिसपे अभी तक उनके जो है लिखवाए हुए सारे टीचिंग जो है वो उसमें है। देखिए ये रहा, धर्मा इज अ एक्सीलेंट बट वेयर इन कंसिस्ट द धर्मा। ये देखिए इसमें जो है इसमें सारे क्रेविंग करी हुई है, इसमें गुड, अच्छे, कंपेनियन, लिबर्टी, ट्रूथफुल, प्योरिटी, इन सबके बारे में लिखा हुआ है जो भी उन्होंने बुद्धा से सीखा। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड दिस इज ओनली फॉर योर रीडिंग पर्पज and for your knowledge, expand your knowledge. Thank you so much.